हरे कृष्णा। तो हर रोज की तरह नहा धोकर भगवान की सेवा में लग गई मैं सुबह सुबह और बनाया भगवान के लिए वेज सूप, साथ ही साथ उनका सुंदर सा श्रृंगार करके उनको दूध ऑफर किया और माला करने बैठ गई। इसके बाद मैं तैयार हुई और मैं निकल गई शोभा यात्रा के लिए। शोभा यात्रा मयूर विहार में थी, घर से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं काफी ज्यादा लेट हो गई थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है इन दिनों। लेकिन हमारे राधा श्याम सुंदर के दर्शन करके और भक्तों का उत्साह देख के मैं वापस से उत्साहित हो गई। प्रभुपाद बिल्कुल सही कहते हैं कि जब आप भक्तों के संग में रहते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगती है, आप हर प्रॉब्लम को हंसते हंसते झेल जाते हैं। और वही हुआ, जब भक्तों को देखा सेवा करते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए, संकीर्तन करते हुए, डांस करते हुए, तो मैं वापस से मोटिवेट हो गई और मैं अपनी बीमारी बिल्कुल भूल गई। अंजना माता जी से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमने की आरती। पंडाल पहुंचने के बाद भगवान का किया हमने स्वागत और साथ में आरती अटेंड करके हमने अटेंड किया संकीर्तन और मोहन रूपा प्रभु जी का बहुत ही प्यारा सा एक लेक्चर। और साथ ही साथ एक माता जी मुझे मिली जो कि मेरे लिए कुछ लाइंस कहना चाहती थी, सुनिएगा। रसना पर राधा नाम रे यशोदाम में साथ रहे, मैं कृष्ण पुजारी मीरा बन सत्संग हरे कृष्णा वृंदा में। अंजना माता जी प्रसाद पा रही हैं, अंजना माता जी भी प्रसाद पा रही हैं। इस बार ही आपने बच्चों को नहीं लेंगे। माता जी क्या क्या है प्रसाद में? मैं आपको बताती हूँ, प्रसाद में है बहुत ही डिलीशियस पूरी, मिक्स सब्जी, मेरी ऑल टाइम फेवरेट छोले, माता जी की फेवरेट ये बहुत टेस्टी हलवा रहता है। इसके बाद घर आके मैंने ठाकुर जी को लगाया भोग और उनको सुला के मैं खुद भी सो गई। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा।